दोस्तों, महर्षि चरक के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं। महर्षि चरक एक महर्षि और एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के राज वैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया, जिसे आज चरक संहिता के नाम से लोग जानते हैं। 300 से 200 ईस्वी पूर्व लगभग आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी वैदिक का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी का बताते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क के राज वैद्य थे, परंतु कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक संहिता में व्याधियों उपचार को बताए गए हैं। प्रसंगवश स्थान स्थान पर दर्शन और अर्थशास्त्र के विषय की भी उल्लेख है। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उसके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकलन किया। चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठकें की, विचार एकत्र किए और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया। दोस्तों, आचार्य चरक की कुछ संक्षिप्त जानकारी जो मैंने आप लोग को दिया, आप लोग को कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें।